तो अभी मैं झारखंड में ही हूँ, क्योंकि कल मैं रजरप्पा टेम्पल से निकला था दर्शन करके, फिर वहाँ से मैं जा रहा था देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि काफ़ी दूर था, तो रात हो गई थी इसलिए पहुँच नहीं पाया। कल मैं किसी एक भैया से लिफ्ट लिया था मैं, तो उन्होंने मुझे एक मंदिर मिला था रास्ते में, उन्होंने बताया था आप यहाँ पर घूम सकते हो दर्शन करते थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। तो ये मंदिर है हरिहर धाम के नाम से जाने जाता है इस मंदिर को, और यह यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची शिवलिंग है, सबसे बड़ी शिवलिंग है, समझ रहे आप, दुनिया की, देश की नहीं दुनिया की। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो ये है सबसे बड़ी शिवलिंग, दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग है, आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी है, पूरी ये पूरा मंदिर शिवलिंग की तरह ही बना है, पूरा शिवलिंग है ये। इसके बाजू में भी एक मंदिर है, अभी काम चल रहा है यहाँ पर और ज़्यादातर सावन के महीने में बहुत भीड़ रहती है, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो यहाँ पर काफ़ी भक्तजन आते हैं, काफ़ी लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो देख रहा है मेरे पीछे कितनी बड़ी शिवलिंग, ये मैंने पहली बार देखी है इतनी बड़ी शिवलिंग, और यह शिवलिंग की ऊंचाई 65 फीट है और 25 एकड़ की ज़मीन में यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का नाम हरिहर धाम है, और यह मंदिर झारखंड गिरिडीह जिला के बगोदा में स्थित है। तो यहाँ से काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, जब सावन के महीने में कांवड़ यात्रा होती है यहाँ पर शादी भी होती हैं, या ज़्यादातर तब भीड़ रहती है यहाँ पर, शादियाँ इस मंदिर में शादियाँ भी होती हैं। तो अच्छा है मंदिर, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर काफ़ी पीछे जगह डरी हुई है, बहुत 25 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है मंदिर, और पीछे हाईवे है, यहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं, नेशनल हाईवे है, यहाँ से दिल्ली बिहार और पश्चिम बंगाल दिल्ली बिहार पश्चिम बंगाल कहीं भी जा सकते हैं इस हाईवे से। तो मैं रात को यहीं पर रुका था, मैं यहाँ के जो महाराज हैं यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने हमको रूम भी दिया था, मैं आपको रूम दिखाता हूँ, आता आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा टेंट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर और कुछ बेड वेड ऐसा कुछ था नहीं, काफ़ी अच्छा रूम है, यहीं पर रुका था, काफ़ी जगह है, काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, सब बैठने के लिए है, पानी की भी सुविधा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है ये जगह, यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत सारे रूम बने हुए हैं, हेडपम्प भी बहुत लगे हैं यहाँ पर, एक हेडपम्प के पानी की टंकी है ऊपर, ये दूसरा हेडपम्प इधर है, हेडपम्प बहुत है यहाँ पे, एक तीसरा उधर है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। भैया जी यहाँ पूजा करने के लिए आए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैं दो तीन महीने से कोशिश कर रहा था कि यहाँ आ सकूँ, मंदिर में आने के बाद बहुत सुकून मिलता है, परम शांति मिलता है। यहाँ जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप आ सके यहाँ तो एक बार अपने जीवन में ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए कहाँ से आया भैया? बड़ा मैं किसी को भी नहीं मानता। कहाँ से आया? मैं बगोदर का ही हूँ, मैं बगोदर डी का हूँ, लोकल ही हूँ, लेकिन व्यस्त होने के कारण मैं नहीं आ पा रहा था, आज समय निकाल करके मैं आया हूँ। चलो अच्छा हुआ आपने। खाली अभी छुट्टी में मेरा छुट्टी का समय चल रहा है, इसलिए मैं आ गया, और मैं कोशिश करूँगा कि जब जब मुझे समय मिले मैं आऊँ। जरूर जरूर मंदिर पे। धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं बहुत सारी, पूजा सामग्री का सामान ले सकते हो आप, नारियल माला फूल। ये पीछे का गेट है, अंकल जी। अंकल जी क्या नाम है अपना? मेरा नाम है केदार शर्मा। यहीं पर रहते हो आप? मैं 25 सालों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। 25 सालों से। इस मंदिर का निर्माण हुआ 1988 में 22 फरवरी को, जो बाबा जी मंदिर बनवाए अमरनाथ मुखर्जी, एक ज़माने में वो बारिस्टर थे, तेज वो पैदल भ्रमण कर रहे थे, यहाँ जो अब मैं अभी जहाँ धरती पे खड़े हूँ उस धरती का एक बार एक ज़माने में था शमशान घाट, जो शमशान घाट थोड़ी सी आगे चल गई, और
दूसरी मंदिर हनुमान जी की 2011 में 16 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ। बाबा जी मरने से पहले बोले थे कि हमारा जो है यहीं संस्कार होना चाहिए। इस नदी के बाएं तरफ उत्तर वाहिनी ही दो नदी का संगम हुआ है, वहीं उनका अग्नि संस्कार हुआ। कौन कौन सी नदी है? जमुनिया नदी, खिड़ोहिया नदी, ये दोनों का संगम है यहाँ पर। ये दोनों की नदी। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। तो आप भी लोग कभी आना चाहते हो तो यहाँ पर बस ट्रेन किसी से भी आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि रांची में रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ उतर सकते हो, वहाँ से बस से यहाँ आसानी से आ सकते हो। ज़रूर आएँ, आप कभी भी आना चाहते हो। शिवलिंग टाइप का पूरा मंदिर बना है, आप देखना चाहते हो तो ज़रूर आए देखें। और अपने देश में ऐसे 7 शिवलिंग है, 7 शिवलिंग है जो सबसे बड़े बड़े शिवलिंग है। वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। फिर